मैं दूसरी सेमी शुरू हो गया था। और क्या कमबख्त, अस्पताल के कमरे में जो नर्स आती थी, जो आसपास में रह रही है कमरे में वो आता था, सब मुझे ऐसा दिलासा देते थे, अरे हे दूसरी बच्ची कोई बात नहीं, लम्या नसीब अच्छा करे, फिर कोशिश कर लियो आपकी बारी लड़का हो जाएगा, फिर कोशिश कर लियो आपकी बारी लड़का हो जाएगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब ऐसा होता है कि अगर लड़की पैदा कर दी एक औरत ने, और ये मैं तुम्हें बता दूँ, सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है उसको, सब सहानुभूति देने दिलासा देने ऐसे आ जाते हैं कि उसके साथ बहुत बड़ा गम हो गया कि उनने एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी बेटी कर दी। सही में सब दिलासा ही देने आते रहते हैं, आई है कोई बात नहीं, चलो एक बार। अरे तो क्या मैं कहती हूँ, क्या लौंडा होना इतना जरूरी है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तुम बताओ, मैं जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अरे औलादी होना अब तो इतनी मुश्किल है कि? और क्या, मुझे भी चारों लोनियों पे लोगों ने बहुत दिलासे दिए हैं। उफ जी, और एक ये होता है नॉर्मल है, चलो एक बार और ट्राई कर लियो, नॉर्मल है चलो एक बार और ट्राई, अरे नॉर्मल में भी हवा हो जाती है। सही पकड़े हैं। ये लोगों की सोच होती है, ये देख रहे कि मेरी स्किन का जो हशर हुआ है, ये माशाल्लाह ये हमारी जो। और अम्मी एक बात और मैं तुम्हें बता दूँ बच्ची, ये जितनी भी लड़की होने पर बातें बनाती हैं वो हम औरतें ही बनाती हैं, मर्दों को कोई मतलब नहीं होता है। बात तो सही है। ना बाप को, ना नाना को, ना दादा को, ये दादी नानी और माँ खुद भी माँ परेशान होती है जब बेटी होती है, उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि लो अब फिर ट्राई करना पड़ेगा बेटे के लिए, सबसे बड़ी टेंशन तो ये हो जाती है। तो कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं, भैया नहीं है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे शोहर इतने अच्छे तुम्हारी माँ के नहीं है बाप के नहीं है दामाद आएंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। मस्त प्लान है। एक बता रही हूँ तुम, हमारे माशाल्लाह बेटों से अच्छा हमारे दामाद आएंगे। क्या करें क्या नहीं करें, यूं ही तो अम्मी स्किन का ही हशर हो गया है। खैर अच्छा ये देखिए सीरम, अगर आप चाहती हैं कि आपका गिलो ऐसी रहे फेशियल के बाद, तो आप ये प्रोडक्ट लगाइए, आप बार बार मांगेंगी। ना ना हम ये सब नहीं करते हैं, हम तो साबुन से मुंह धो लेते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल सफेद हो जाता है, हम बस बहुत कुछ किया तो लाली लगा ली, वो भी अब तो मैं बुढ़ापे में नहीं लगा पाती होंगी, आज तो हमें अपने समझाने जाना था तो जबरदस्ती इसने अपनी वाली लगा दी। वरना मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, साबुन से तो स्किन बहुत खराब हो जाती है, लेकिन अब आप कहेंगे तो मैं क्या कहूँ। Meanwhile बिरोडक में नहीं लूंगी। अच्छा हमको सिखा रिया है, आपको तो मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, आप तो दोनों उम्रों की होंगी ना, तो ठीक है आप जैसी आपकी। अब ना पारी ना, मैं तो बस कह नहीं रही हूँ, अभी इस उम्र में अपने ऊपर पैसा खर्च करने को भी जिगरा चाहिए अम्मी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, इम्पोर्टेड है ये, खास दुबई से मंगाया है, पहले मेरा पोला दुबई में था, फिर हमारे ससुर खत्म हो गए तो सास इकली हो गई, तो फिर मेरे मियाँ ने कहे तुम वहीं पे चली जाओ, मुझे काम आता था तो मैंने यहाँ पे खोल लिया, लेकिन मैं प्रोडक्ट अब भी वहीं से मंगाती होंगी सारे, इसलिए कह रही थी आपसे। मैं प्रोडक्ट, अरे बच्ची इम्पोर्टेड हो या शिपोर्टेड हो मैं नहीं लेती हूँ, कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बस जो तुम इस वक्त लिपापोती कर दो मेरे कर दो, या मैं एक आध महीने बाद फिर आके टिराई मान लूँगी, बस मैं प्रोडक्ट लेके जाके पड़े रह जाएंगे, मैं नहीं लगाऊँगी, हमारी बहू बेटी लगा के ख़त्म कर देंगे। अम्मी वही भिन्नो, तू हर्राफा यहाँ कैसे आ गई, मैं तो तुझसे छुप के आई थी। देखो वो कहते हैं ना शैतान का नाम भी है शैतान हाजिर, इन दोनों का जिक्र कर रही थी मैं, वही बहू बेटी का, ये पसली फड़की आ गई दोनों की दोनों, इनकी भी पसली फड़कती है, माँ किधर को चली गई। एक मिनट में आती हूँ मैं, आपसे तक बात करें। क्यों आई पोलर मुझे छोड़ के? हमारा जब दिल करेगा हम आ जाएंगे, अपने अब ये उम्र आ गई कि अब बस ऊपर ही को जाने के दिन करीब आ रहे हैं, तो अपने बारे में ज़रा तो सोच ले आदमी, हर वक्त सूरत पे मेरी देन है, किसी तरफ को नहीं जाने देती, पसली फड़की मेरे गुर्दों में घुसी हुई हर वक्त। Meanwhile हेलो, मैं सोचे थे आज जल्दी छुट्टी ले लूँगी, आज फ्री है, ईद का पीछा चल लिया है, ओवर टाइम करा था चांद रात को, तो आपकी छुट्टी ले लूँगी इस टाइम, तो क्लाइंट आ गई एक। तुम आ गए हो क्या नीचे? हाँ तो खड़े रहो, मैं क्या बताऊँ, फोन ही पहले कर लेते मुझे निकलने से।
किया तो था पिज्जा खाने चलेंगे, लेकिन अब मुझे क्या पता था ये हो जाएगा। इतनी परवाह हो रही हैगी मेरी तो समोसा ही ला दो मीठी चटनी के साथ, भूख लग रही हैगी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, एसी आ गई थी मैं। एक मिनट, क्या है? मैम से मना कर दो, अम्मी और कोई क्लाइंट हैंडल नहीं करूंगी, मुझे जाना हैगा, शब्बू आ गया मुझे ले जाने। मैम मना कर दो, तुम कोई बहाना कर दो, मैं नहीं अब देख कहते ना उनके सर में दर्द हो रही आएगा, वो घर को जाऊंगी। अरे कुछ नहीं, इनको मैं ही दिखती होंगी हर किसी के लिए, मुझे आगे कर देंगी कि शैला तुम देखो, शैला तुम देखो, मैं कहाँ तक देखती रहूँगी। हाँ मूड नहीं ख़राब कर रही होंगी, बस जल्दी से इनका काम करके। हाँ ठीक है चलो, फेशियल हैगा, देर लगेगी थोड़ी। हाँ समोसा भेज दो, वो नीचे लोंडा है ना कॉस्मेटिक की दुकान पे, वो ले आएगा ऊपर, उसको आने देती हैं मैम, छोटा है ना वो। ठीक है चलो, मिस मी, ओके अब चली जा, मैं सुकून से फेशियल करा के आऊंगी, जा। अल्लाह तू भाई, इनको तो देखो बुढ़ापे में कैसे अरमान फूट रहे, कैसे शो पूरे करे जा रहे होंगे। मेरा फेशियल शुरू भी नहीं हुआ मगर तुम दोनों की पसली फट गई और तुम दोनों आ गई। हेलो, तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैंगे। मीनवाइल बढ़िया से हाथ लगाइयो, जरा अच्छे वाले मसाज करियो मेरी, जैसा भी ये झाइयां पड़ेंगी भी सफा हो जाए, और जरा खाल भी मेरी खींच जाए, ऊपर को तन जाए जरा मुंह। अरे मैं होंगी जैसे गोश्त खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती हैगी, बर्तन धो, खाना पकाओ, गैस के सामने खड़े हो के मेरी स्किन पूरी जल्दी जा रही है, इतने फेशियलों का इन्हें नाम पता है, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। मुझसे तो अच्छी यही हैंगी फिर तो। हाँ तुम दोनों सूरत लेके यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे सुकून किसी वक्त मत लेने दियो बबली, तो हर वक्त मेरी सूरत पर डैन रही हो, लेके आ गई अपनी भाभी को। मैं इसीलिए तुझसे मना कर रही थी, मत चल। तुमने कब मना किया? मैंने मना किया था, मत चलो अपना घर में बैठो, और चार बातें सुनवा दी मुझे। तुमने कोई मना नहीं किया था, ये सब कहती हो, हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे साथ रख देती हो, मुझे उस टाइम तुम समझाती तो मैं आती भी नहीं, मेरी डांट पड़ी, तुम्हारा तो कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में मम्मी मुझे कहती हैंगी। तुम बच्ची जरा अच्छा हाथ चलाना, अच्छा, और ज़रा ज़्यादा ज़्यादा क्रीम लगाना, इतनी इतनी सी चुटकी भर लगा के छोड़ देती हो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।